हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कैसे करें, ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके कैसे अच्छे से अच्छे नंबर लाकर अपने क्लास में टॉपर बन सकें। तो बच्चों, जैसे कि हम जान रहे हैं ये अक्टूबर मंथ है, अब यहाँ से बच्चे जो हैं वो थोड़ा घबराना शुरू कर जाएंगे क्योंकि समय जो है वो काफ़ी बीत चुका है। 4-5 महीने ही बाकी बचे हैं, फरवरी से तो एग्ज़ाम ही स्टार्ट हैं आप लोगों के, तो उसमें ना हमें घबराना नहीं है। जो समय है 5 महीने, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें और कम समय में ज़्यादा चैप्टर्स कैसे कवर करें, ज़्यादा मार्क्स कैसे हम पाएँ, उसके लिए जो जो इम्पॉर्टेंट हैं पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें बच्चों। पहला पॉइंट, प्रत्येक सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले तैयार करें। बच्चों, ऐसा नहीं है कि अब आपके पास इतना टाइम है कि आप हर बुक के हर एक पन्ने को पढ़ें, अब आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर ऐसे स्टडी करना चाहिए कि जो भी चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, सबसे पहले तो उनको छांटिए। वो सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं या क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं या बुक के जो सबसे पहले पन्ने होते हैं, जो आपका जिसमें चैप्टर नेम दिया रहता है उसी में सब आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि कौन सा चैप्टर या कौन सा खंड कितने नंबर का आएगा, इस चैप्टर से कितने मार्क्स क्वेश्चन आना कन्फर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के आएंगे उनको हम बोलेंगे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग वही है। और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनको आपको छांटना है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप कैसे छांटेंगे? तो बच्चों, इसके लिए आपको जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको देखना पड़ेगा। उसमें जो जो टॉपिक्स रिपीट करके बार 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 पूछे गए हैं उनको आपको ज़रूर तैयार करना है। मैं इसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगी अच्छे से। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपको कैसे छांटने हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई जीवन परिचय है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी में, वो आपका 2022 में भी आया है, 21 में भी आया है, 18 में भी आया, 19 में भी आया, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हास्य रस, वीर रस, ये हर साल पूछे जाते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हैं। बस आपको इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होना है बच्चों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर सॉल्व करते रहना है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से आपको तो सबसे पहले ये पता चलेगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, और तो और कितनी संभावना है उसके आने की, वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं। ठीक है, और मॉडल पेपर सॉल्व करने, पता है मॉडल पेपर किसको बोला जाता है? मॉडल पेपर वो पेपर होता है जो कहा जाता है कि ऐसा पेपर आ सकता है इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में, उसको हम लोग मॉडल पेपर कहते हैं। मॉडल पेपर या तो उसको कह दें एग्जाम्पल पेपर, या कह दें एक टाइप का गेस पेपर, या फिर सैम्पल पेपर भी उसको बोल सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है। ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे और आपको आंसर राइटिंग का भी इससे तरीका मिलेगा कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, चीज़ों को कैसे लिखना होता है, कितने वर्ड्स में लिखना होता है, MCQs वगैरह आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ तो आपको बिल्कुल करना ही करना है। अब कुछ और टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं आपको बताऊँगी, जिससे कि आप इन 5 महीनों में ही अपनी प्रिपरेशन को ऐसा बना सकते हैं कि आप 90% आराम से स्कोर कर ले जाएंगे और कम समय में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर ले जाएंगे। तो बच्चों, मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं आपको ऐसे ही और पॉइंट बता रही हूँ। तो बच्चों, प्रिपरेशन को और अच्छा बढ़ाने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए आपको इन सारे स्टेप्स को भी फॉलो करने हैं, जिसमें कि हमारा एक स्टेप आता है प्रॉपर टाइम टेबल बनाना। देखिए बच्चों, अगर आप दिन में कभी कुछ उठा के पढ़ लें, रात में कभी कुछ उठा करके पढ़ लें, कल दूसरे दिन कुछ और पढ़ लें, तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे हो सकता है चीज़ें थोड़ी बहुत याद रहें लेकिन एक प्रॉपर वे में तैयार नहीं हो पाएंगी, उसको कोई तैयारी नहीं बोला जाएगा।
तो सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपको किसको कितना टाइम देना है। इस हिसाब से आप चीज़ों को डिवाइड कर करके चलेंगे तो चीज़ें और आसान होती जाएंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप मान लीजिए मैथ्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब वो क्वेश्चन आपको फॉर्मूला सर ने बताया, आपने क्वेश्चन का तरीका देखा, आपने एक बार किया, आपको एक बार की प्रैक्टिस में ही हुआ गया, तो कितनी खुशी मिलती है। वो खुशी इतनी होती है कि आप उसी मोटिवेशन से और क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। तो वही चीज़ है, सेल्फ मोटिवेशन की होता है सक्सेस को पाने का। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपने आप में, अपनी पढ़ाई में मगन रहिए। आप जितना अपनी पढ़ाई की तरफ मगन रहेंगे, बाकी चीज़ें धीरे 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 अगर कोई कुछ कहेगा भी तो भी आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, मोटिवेशन में कोई कमी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन बैंक ज़रूर पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं नवंबर मंथ से, अभी अक्टूबर इन तक भी आ ही जाने चाहिए, तो आप इनको ज़रूर लीजिए और लेटेस्ट एडिशन लीजिए। ठीक है, एक दो साल पुरानी लेने से कोई मतलब नहीं होता है, इसी टाइम का लीजिएगा और हर एक सब्जेक्ट का लीजिएगा, ये नहीं कि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है बस उसका ले लिए, जबकि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आप कमज़ोर हैं, उसको तो और लीजिए ताकि उस पर आपकी पकड़ हो सके। तो आपको क्वेश्चन बैंक ज़रूर पढ़ना है, इससे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, आंसर लिखने का तरीका, ये सब आपको पता चलेगा। तो क्वेश्चन बैंक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में लिखने की प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं। बच्चे ये बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाता है कि लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लिखना छोड़ देते हैं। इससे एग्ज़ाम में पता है क्या होता है, आंसर तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने, मतलब पूरे ही अटेम्प्ट करने हैं, लिखना ज़्यादा रहता है, तो उनकी राइटिंग काफ़ी गंदी घिसी पिटी, और मतलब कि कॉपी ना काफ़ी रफ टाइप जैसे लगती है। तो एग्जामिनर कॉपी देख रहा है तो नंबर कैसे दे देगा, आपको मार्क्स चाहिए तो लिखना भी तो सुंदर होना चाहिए ना। और जब आप लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो अचानक एक दिन ये सोच लो कि आप कल तो मेरा एग्ज़ाम है और अभी तक तो मैं कभी लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करी हूँ, कल तो मैं जाकर के ऐसे ही लिख दूंगी, तो वो कभी नहीं हो पाता है, ये मिथ होता है कम्प्लीटली। तो इस मिथ से बाहर निकलिए, लिखने की भी आप प्रैक्टिस करते रहिए और स्टॉप वॉच लगा के कि आप 3 घंटे में कितना लिख ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब हिंदी का पेपर होगा आपको निबंध लिखने होंगे, जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है, उसमें गद्य पद्य वाला लिखना होगा, एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, व्याख्या लिखनी होगी, और भी सारी चीज़ें, SST में वो लॉन्ग आंसर करने होंगे, मैप करना होगा, OMR भरना होगा, तब आपको लगेगा कि अरे टाइम कितना कम है। इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस आपको करते रहना है, जिससे आप कम टाइम में ही ज़्यादा लिख सकें और सुंदर सुंदर लिख सकें। ठीक है, तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं बच्चों, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और मैं आपके साथ एक लाइन शेयर करना चाहती हूँ कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अभी आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, किसी से कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आप मन लगा करके पढ़ाई करिए और आगे बढ़ते रहिए। ये जितने भी टिप्स हैं ये ज़रूर हेल्पफुल होंगे और एग्ज़ाम के दिन आपको खुद पता चलेगा कि ये सब ही प्रैक्टिस थे जो 4-5 महीने में आपको एवरेज से टॉपर बना दिए। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।